सुशांत सिंह राजपूत मामला बेहद ज्यादा उलझनों से भरा हुआ है और पुलिस किसी भी तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। कोई कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, कोई कह रहा है बॉलीवुड से काम जो इनका जो ये सब खत्म हो गया था काम का डिप्रेशन ले गए, कोई कह रहा है कि घर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई कह रहा है कि लड़कियों की प्रॉब्लम है। आखिरकार बात क्या है? रिहा चक्रवर्ती से भी बार बार उनके बयान लिए जा रहे हैं, पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तहकीकात कर रही है, उनसे बयान ले रही है। उसी मामले में महेश भट्ट भी साथ में या बीच में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर में रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को बर्थडे विश किया था, वहाँ पर दो फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए थे। उस फोटोओं पर इतना ज़्यादा ट्रेंड मच गया, इतना ज़्यादा वो फोटोज़ जो है वो ट्रेंड हो गए। हालांकि वो फोटोज़ जो है मैंने आपको दिखाए हुए थे, वो फोटो शर्मनाक फोटो थे जिस तरीके से वो फोटो क्लिक हुए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने खुलेआम बर्थडे विश किया था रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को। और अभी हाल ही में महेश भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्टिंग शेयर की है, वहाँ पर एक साथ में कैप्शन भी लिखा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। हालांकि ये फोटो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, ये फोटो ऐसा दिखाने वाला है नहीं, बट यहाँ पर कैप्शन जो लिखा हुआ है महेश भट्ट ने वो ये है, सबके अंदर एक सही आहाद है, फर्क है तो बस जिस्म के लिबास का। मतलब सबके अंदर एक जैसा ही आहाद है, फ़र्क अगर है तो वो सिर्फ है जिस्म के लिबास का, यानी कि कपड़ों का। हालांकि इसका रीज़न क्या है क्या नहीं है वो फैंस ने बहुत अच्छे से इनको जवाब दे दिया। जिस तरीके से फैंस गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा गालियां देते हुए नज़र आ रहे हैं फैंस इनको ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स को गालियां देते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में फैंस जो है वो ट्रोल तो बेहद ज़्यादा कर ही रहे हैं। और उसके साथ रिहा चक्रवर्ती से एक बात इन्होंने और कही थी जो मे बी आई थिंक शायद आपको पता हो या ना हो, हालांकि जब मुंबई पुलिस ने यह सब खुलासा किया, उनकी रिया चक्रवर्ती की एक फ्रेंड ने बताया कि इस तरीके से ये पूरा मामला है, क्योंकि पुलिस पूरे तहकीकात करने में लगी हुई है। जब स्टार्टिंग में रिहा चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से रिलेशन बना रही थी, तो उस दौरान महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को ये समझाया था कि जो है सुशांत से रिश्ता मत बनाओ। महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती से ये कहा था कि सुशांत से रिश्ता मत बनाओ, क्यों? ये कभी भी सुइसाइड कर सकता है, इसके हालात बता रहे हैं। तो इस तरीके से महेश भट्ट ने बोला था और ये बात आज सच हो गई। हालांकि पूरा मामला क्या है क्या नहीं है हमसे अच्छा पुलिस जानती है, हमसे बेहतर पुलिस जानती है, और पुलिस पूरी अच्छे तरीके से तहकीकात करने में लगी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस महेश भट्ट से अपने सवालों के घेरे में लेगी, उनसे सवाल जवाब करेगी कि क्या तुमने इस तरीके से बोला था, क्योंकि पुलिस के आगे ये सारी बातें जो है वो आ चुकी हैं। भले ही आने वाले अपडेट्स जो है वो बता पाएंगे, मगर फिलहाल महेश भट्ट ने ये सब कैप्शन डालते हुए एक बहुत ज़्यादा इनको गालियाँ पड़ी हैं, बेहद ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है इस पोस्ट के ऊपर, इस कैप्शन के ऊपर। तो बने रहिए अगली अपडेट्स के लिए, अपडेट्स आपके पास रेगुलर पहुँचाई जा रही है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए।